खबर लेट न्यूज के साथ। हारण फतेहपुर के जंगल में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश की पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक पुलिस कर्मचारी भी घायल बताया जा रहा है। दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश के एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में एडिशनल एसपी ओपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना भवन क्षेत्र में गांव नोजली में डकैती में दोनों बदमाश शामिल थे, जिनके पास से अवैध हथियार, कारतूस व डकैती का कुछ माल भी बरामद हुआ है। सर, मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, जनपद में पूरे हर थाना क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुक्रम में वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी। थाना भवन अंतर्गत इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति, जब पुलिस द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो वहां से भागा, पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो हरण फतेहपुर के जंगल जो आगे सोंटा की तरफ रास्ता जाता है, वहां पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी, पुलिस स्तर से भी फायरिंग की गई। उसके बाद वहाँ हमारे एक दीवान जी जो सोहित जी हैं उनको भी गोली लगी है और एक बदमाश को वहाँ गोली लगी थी। इमीडिएट पुलिस टीम वहाँ पहुँच करके और मौके से उनको वहाँ यहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया। एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी उसमें हुई। कुल मिलाकर के एक इंजर्ड स्थिति में हॉस्पिटल में है, उनने अपना नाम जो बताया है, ये बगल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना नाम अभी असलम सनाफ शौकीन बताया है, जो थाना रतनपुरी के रहने वाले हैं, वो भनवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। ये पहले से हमारे यहाँ जो 22/23 की रात्रि में नोजली में जो डकैती की घटना हुई थी और गढ़ी पुख्ता क्षेत्र में भी एक वाहन को लूटा गया था, उसमें ये वांछित चल रहे थे और इनमें 25,000 रुपये का इनाम यहाँ जनपद शामली से थी। अभी जो जानकारी मिल रही है, जिसको हम वेरीफाई करा रहे हैं, कि संभवतः इनके ऊपर जनपद सहारनपुर से भी कुछ इनाम कराया गया है। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह भी रही है और इस तरीके से अभी हमारी डॉक्टर से भी बात हुई है, ठीक स्थिति में है यहाँ और अभियुक्तों की ये गिरफ्तारी हुई है। सर, दूसरा जो अपराधी है उसका क्या नाम है और किस? दूसरा जो अपराधी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये खलील सनाफ आस मोहम्मद हैं, जो मेरठ के थाना इचौली के रहने वाले हैं। तो वो भी किस्सा क्या सर इस डकैती में शामिल था? अभी जो बातचीत की गई है उसके द्वारा स्वीकार किया गया है, अभी बाकी चीजें अभी पुलिस द्वारा सघन पूछताछ की जा रही है। जैसा आपको पता है, बदमाश तरह तरह की बातें करती है तो पहले उसको वेरीफाई कराना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, कभी क्या सर हमारे यहाँ किसी और घटना में भी जेल जा चुके हैं हमारे यहाँ से? अभी तो जैसा आपको बताया गया कि मुठभेड़ के बाद वो इंजर्ड हुए हैं, प्रथम जिम्मेदारी पुलिस की ये होती है कि हमारे जो जवान और जो वो बदमाश दोनों को हॉस्पिटल यहाँ पहुँचाया गया है, डॉक्टर साहब से बात करके इनकी इमीडिएट फर्स्ट एड हो जाए और उसके बाद जो है अगले तक पूछताछ के माध्यम से कार्रवाई। अभी जो ये वांछित थे वो डकैती के थे और इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, और कौन कौन घटनाएं में ये रहे हैं क्या है, सघन पूछताछ से जानकारी।